विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आम श्रद्धालुओं के साथ किसी न किसी नेता अभिनेता का आना जाना भी लगा ही रहता है। ऐसे में कार्तिक माह की वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर श्रद्धालु बाबा महाकालेश्वर के दरबार में अपना शीश नभाने आते हैं। ऐसे ही छोटे व बड़े पर्दे पर काम करके अपनी कलाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले हेमंत पांडे बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आए और उनका आशीर्वाद लिया। दर्शन करने आए अभिनेता हेमंत ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, भगवान की कृपा रही कि जिस हाल में हम हैं, उस हाल में खुश रहने का, संतुष्ट का जो भाव है, उसने यहां तक पहुंचाया है। मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि मेरी धार्मिक यात्राएं होती रहती हैं। इंसान को और क्या चाहिए। राजनीति को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री के साथ हूँ, देश के साथ हूँ, लेकिन किसी पार्टी के साथ नहीं। समय समय पर हर पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हेमंत पांडे मूल रूप से उत्तराखंड पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, जिन्होंने वर्ष 1996 में ताक झांक नामक सीरियल से अपने कैरियर की शुरुआत की है, जिसकी सफलता के बाद हेमंत पांडे टीवी शो ऑफिस ऑफिस, मालिनी श्रीमती मालिनी अय्यर जैसे मशहूर शो से अपने आप को साबित कर फिल्मों की दुनिया में जगह बनाई और 1999 में उन्होंने तमिल फिल्म मोनिशा एंड मोनालिशा में काम किया, जिसके बाद बॉलीवुड के बड़े पर्दों पर छाए। और रहना है मुझे कुछ कहना है वर्ष 2000, तेरे है दिल में वर्ष 2001, आप मुझे अच्छे लगने लगे 2002 से लगातार अब के बरस, बधाई हो बधाई, फरेब, क्रिश, रेडी व कई बड़ी फिल्मों में काम किया। हेमंत अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वो मशहूर भारतीय कॉमेडियन जॉनी लीवर की फिल्में देख पड़े हुए हैं और उन्हीं से उन्होंने प्रेरणा ली। किसी भी पार्टी में अगर आप हैं तो आपको विपक्षी पार्टी की बुराई करनी ही पड़ेगी, उसने तो आलाकमान नाराज हो जाएगा और हम नहीं चाहते हमारे जीवन में कोई आलाकमान आए, इसलिए हम राजनीति में नहीं जा रहे, क्योंकि हम अपने विचारों को कुंठित कर देंगे ना कि आप अच्छा आदमी, अच्छा काम कर रहा लेकिन तारीफ नहीं कर पा रहे, तो वो भी तो पाप लगेगा हमें, तो वो गिल्ट ना आए जीवन में, इसके लिए राजनीति से कोई मोह नहीं है। हर आदमी है, अच्छे लोग, अच्छी पार्टी हर जगह होती है। हाँ, मैं मोदी जी के बारे में ये कहता हूँ कि मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ हूँ, मैं हर सब हो सकता हूँ, उनकी कुछ बातें मैं या कोई चीज़ मुझे पसंद ना भी आए, लेकिन मैं देश के साथ हूँ और देश के प्रधानमंत्री के साथ हूँ। और जो व्यक्ति देश का नहीं हो सकता, वो न किसी जाति का हो सकता, न किसी मजहब का हो सकता है, क्योंकि किसी भी जाति में या किसी भी धर्म में ये बात लिखी ही नहीं है कि आप अपने देश का विरोध करें।